हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बड़ी शानदार चीज को करने वाले हैं, फोक डांसेस। ठीक है, फोक डांसेस जो होते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखेंगे। देखो, बहुत ज्यादा आप लोग देखोगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा, डांसेस मिलेंगे, फेस्टिवल्स मिलेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कंपाइल करके फोक डांस याद करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बनाने आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वीडियो के बाद भी इस बार 2-3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि नाम ऐसा नहीं है जिससे हम यूज टू हैं, और ऐसा नहीं है मैं उसका नाम बदल दूंगी। नाम ही बदल दूंगी तो आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? अगर मैं नाग नृत्य को नाग कहूंगी केवल, ठीक है, या मैं अगर बुइया को बबुआ ही कहती फिरूंगी तो कितना याद होगा यार? नहीं याद होगा। इसके लिए आप जरूरी होगा कि 2-4-5 बार आप उसको देखो और कोशिश करो कि रिटेन करते रहो। जब आपको लगे कि आपके दिमाग से ट्रिक उतर रही है तो एक बार देख लो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ट्रिक बनाकर आप तक पहुंचाना, आसान बनाना, उसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सेशन को हम लोग। और सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बबुआ, बारडोछाम बुइया वांचो। ठीक है, बारडोछाम बुइया वांचो ये हो गए, और छालो पोमुंग पोपीर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्या क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश में बारडोछाम बुइया वांचो, बारडोछाम बुइया वांचो याद हो गया मुझे, आपको भी याद हो गया अब तक, है ना? छालो पोमुंग पोपीर, छालो पोमिंग पोपीर। ठीक है, चलो ये तो हमने अरुणाचल प्रदेश का देखा, 5। फटाफट आंख बंद करो और बोलो मेरे साथ, बारडोछाम बुइया वांचो छालो पोमुंग पोपीर। मैंने आंख बंद नहीं की थी, मैं देख रही थी आपने आंखें बंद की हैं या नहीं। मणिपुर का देखो क्या होगा, NTPC नूपा थांगटा पुंगचोलोम चोलंडोल। ठीक है, देखो बच्चों मुश्किल है, बस यही दो ऐसे स्टेट्स हैं जो थोड़े ज्यादा डांसेस और ज्यादा ही अजीब नाम है, बाकी आसान याद होगा। ठीक है, NTPC क्या याद करोगे? नूपा थांगटा पुंगचोलम चोलमडाल। ठीक है, ख से खाम्बा थाईबी। ठीक है, ल से लाई हरौबा, कई बार पूछा जाता है। र से रासलीला। आंख बंद करो, दोहराओ मेरे साथ, NTPC नूपा थांगटा पुंगचोलोम चोलमडोल। ठीक है, फिर खुलर। ठीक है, ये क्या होगा? खाम्बा थाईबी, लाई हरौबा, रासलीला, ये हो गया। अब चलो हम लोग जरा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को मिलाकर एक ट्रिक करते हैं। अरुण बबुआ छाप रहे मनी NTPC में खुलकर। ठीक है, अरुण बबुआ छाप रहे मनी NTPC में खुलकर। ठीक है, अब जरा देखो, अरुण से तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, बबुआ से क्या क्या हमें मिला था याद करो फटाफट। ये था हमारा बारडो, याद आया? सबसे पहला क्या डांस था? सबसे पहला डांस था आपका बारडो। अगले बस से आपका क्या था? बारडोछाम। फिर आपका था वुइया। ठीक है, फिर क्या था आपका? वुइया। इसके अलावा क्या था? वांचो। ठीक है, बारडोछाम वुइया वांचो। छाप रहे में क्या क्या था? छालो। फिर प से क्या था? पोमुंग पोपीर। अरुण बबुआ छाप रहे, मणिपुर में मनी हो जाएगा। ठीक है, मनी का मणिपुर कर लोगे। NTPC में क्या क्या था जल्दी जल्दी याद करो? नूपा नृत्य, थांगटा। ठीक है, पी से क्या था जल्दी जल्दी बताओ, पी से क्या था? हाँ भाई, पुंग चोलन। और सी से क्या था? चोलम डोल। ठीक है, इसके बाद खुलकर में क्या क्या था? खुलकर में क्या क्या था? खम्बा थाई। ठीक है, और क्या था आपका? लाई हरोबा। और क्या था? रासलीला। मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस 2-4 बार पढ़ना है। मुश्किल बना लोगे तो मुश्किल है, करने वाले कर ले जाएंगे, मुश्किल कहने वाले मुश्किल कहते रह जाएंगे, और बस ट्रिक यही कमाल करेगी। जिनको पढ़ना है, जिनको करना है, उनको एक नंबर दिला के ही जाएगी ये। ठीक है, और हो सकता है 2-3 डांसेस पूछ ले, तो हो सकता है ये कई एग्जाम में आपकी मदद कर दे। कर ले जाओगे तो हो सकता है आप लोग 30% जनसंख्या से आगे ऐसे ही बढ़ जाओ, रह जाओगे तो फिर आप लोग 40-50% से पीछे चले जाते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लोग, कुछ लोग रटे रहते हैं, तुम्हारे लिए तो तब भी ट्रिक आ गई है यार। ठीक है, चलो तो हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अगला देख लेते हैं मेघालय। सबसे अच्छी बात है केवल एक मिलेगा, लाहौ, जो इम्पोर्टेंट है। अब मिजोरम पे आ जाते हैं। मिजोरम में सरलाम कई परलाम, सरलाम परलाम याद रखना मिजोरम। ठीक है, सोलाकिया। ठीक है, लंगलम और जंगतालम। ओके, सरलाम कई परलाम, सोलाकिया, लंगलम, जंगतालमल। ठीक है, देखो मेघालय में केवल एक है लाहौ, लेकिन जब मैं आपसे बात करती हूँ मिजोरम, मिजोरम में थोड़ा ज्यादा है। सरलम परलम तो याद किए रहना, मिजोरम में ही आएगा। स से क्या होगा? सोलाकिया। ली से लंगलम। ज से जंगतालम। अब इनकी एक ट्रिक में चला जाए हम लोग, जहां पे इन दोनों को ले लिए साथ में। मेघालय मिजोरम, मेघली मीजो से पैसे ले जा। ठीक है, मेघली मीजो से पैसे ले जा। मेघली में क्या हो गया? मेघली में केवल मेघालय का एक ही तो था लाहौ। ठीक है, मेघाली में, मेघालय में एक ही था,
मेघली मेघालय लाहौर, ठीक है, मिजो से मिजोरम, ठीक है, फिर ये क्या था सरलाम कई और ये परलाम, ठीक है, फिर ये क्या था सेलकिया, और ले से क्या था जल्दी जल्दी बताओ, ले से क्या था लंगलम, ठीक है, और ज से क्या था जंग तालम। ये तो आसान पड़ा मुझे लगता है कि नहीं, ये तो कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा आसान पड़ गया। मेघली मिजो से पैसे ले जा, मेघालय का क्या हो गया लाहो, मिजो का क्या हो गया सरलाम कई परलम, ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं स से क्या था सेलकिया, ल से लंगलम और ज से क्या था जंग तालम। ये हो गया मेघालय और मिजोरम। अब एक एक बार इसको आंख बंद करके सब बोलो। फिर देखो नागालैंड, नागालैंड का सबसे आसान है, र से रंगमा हो जाता है, ब से बांस नृत्य हो जाता है, ठीक है। फिर देखो असम का, असम का दो तीन तो कई बार पूछा जाता है, एक तो होता है विधुवा और एक होता है बहु से बिहू, ठीक है, न से क्या हो जाएगा नागृत्य या नट पूजा, नागृत्य से कंफ्यूज मत हो जाना नागालैंड, ये क्या हो जाएगा ये असम का रहता है, ठीक है। फिर म से क्या होता है महाराष्ट्र, स से सतारिया और खेल गोपा, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, विधुवा बिहू नागृत्य महाराष्ट्र सतारिया खेल गोपा। अभी देखने में मुश्किल लग रहा है, दो बार और बस इसको पढ़ो आंख बंद कर करके, विधुवा बिहू नागृत्य महाराष्ट्र सतारिया खेल गोपा। अब जरा इसको एक ट्रिक में रखा जाए, असम और नागालैंड को मिलाकर, नारंग बाबू असम की बहन विधु के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, नारंग बाबू असम की बहन विधु के साथ क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं, नारंग में नागा और रंग, ठीक है, और बाबू क्यों है बांस नृत्य, ओके, तो ये हो गया नागा, यहाँ का एक रंग हो गया एक बांस नृत्य, ठीक है, नारंग बाबू। फिर असम की डांस पे आ जाओ, ठीक है, सबसे पहले विधु से क्या था विधुवा, ठीक है, फिर हम लोग बहन पे अगर चलते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा बिहू मिल जाएगा, ठीक है, न से क्या हो जाता है नाग नृत्य हो जाता है, साथ खेल रहे हैं सतारिया हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सतारिया, और खेल रहे में क्या हो जाता है देखो फटाफट, खेल रहे में क्या होता था खेल गोपा, ओके याद रखिएगा खेल गोपा, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस हैं जो आप सभी लोगों को क्या करना होगा याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नागालैंड का रंग और क्या हो जाता है और हमारा हो जाता है बांस नृत्य, असम का क्या क्या हो जाएगा विधुवा बिहू इसके अलावा सतारिया और ये खेल गोपा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और नाग नृत्य को कंफ्यूज मत करना, ये नागालैंड का नहीं ये असम का होता है, ओके। चलो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, ओके, दो चार पांच बार थोड़ी सी हल्की सी आपको इसमें मेहनत करनी होगी क्योंकि नाम बहुत अजीब है जो हम लोग डेली नहीं लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आप लोग इसको अगर चार पांच बार बोलते रहोगे पढ़ते रहोगे कहीं पर लिखकर लगा लोगे तो आज आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि आपको सारे स्टेट का अलग अलग करना है, दो दो को कंबाइन करके चलोगे सब याद हो जाएगा, ओके। चलो तो ये देखो अगर आप लोग चाहते हो इस कोड को लगा सकते हो, इस कोड को लगाओगे फिर 10% ऑफ मिलेगा जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें, और साथ ही साथ में जिससे भी पढ़ना चाहते हो जो भी सब्जेक्ट सब मिलेगा, ओके। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान दीजिए, लव यू पीपल, बाय बाय।